स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई क्लास. आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं जो आज के टाइम पे बच्चों से बिल्कुल भी नहीं हो पाता है. दैट इज कीपिंग क्वाइट, मतलब शांत रहना. बहुत होते हैं ना बच्चे ऐसे, स्कूल आप लोग जाते हो गए तो मैम हमेशा कहती है बेटा कीप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, बात मत करो, ये मत करो. लेकिन यू विल बी लाइक मैम अगर हम लोग आपकी बात मान जाएंगे तो फिर हम लोग बच्चे थोड़ी रह जाएंगे. तो थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर आप लोग को लग रहा हो कि ऐसी चीजें मैम समझाने वाली है, फिर बताने वाली है जो हम लोग कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकते. ऐसा कुछ भी नहीं है. ये शांत रहना वाला नहीं है कि जो आप लोग शैतानी करते हो तो शांत रहना होता है, वो वाला शांत नहीं है. यहाँ पे शांत आपसे बोला गया है पीस के बारे में, शांति, सुकून, वो वाली शांति है. तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ आज के सेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि कैसे अगर आपने अपने माइंड को काम रखा है, कंपोज रखा है, शांत रखा है, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. मैक्सिमम चीजें झट से सॉल्व हो जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और अगर होगी तो आप शांत रहिए भी सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो. नहीं समझ आया, एग्जांपल देती हूँ. मान लो कि आपके पास एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो कि आपको कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए. अब मम्मी ने बोला है कि हेनरी बाहर नहीं जाना है, बट यू विल बी लाइक अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे तो जाना पड़ेगा बाहर, मुझे भी दोस्तों के साथ घूमने जाना है, मुझे भी पार्टी करनी है, मुझे भी ग्रुप के साथ ऐसा ग्रुप में थोड़ा सा ग्रुपिज्म करना है, वो सब करना है. तो मैं तो अगर बाहर नहीं जाऊंगा तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, और फिर आप घर पे बैठ के सोचते गुस्सा होते रहते हो कि ये लोग मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते हैं. फिर एक तो ऑप्शन हो गया ये वाला कि इरिटेट हो, फ्रस्ट्रेट हो, कोई मतलब का नहीं रहेगा. लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, आराम से बैठते हैं अकेले सुकून से और सोचते हैं आइडिया कि ऐसा क्या बहाना दिया जाए, ऐसा क्या बोला जाए अपनी मम्मी से कि मम्मी बोलें, ऐसा कन्विंस होके बोलें कि ठीक है बेटा जाओ लेकिन एक दो घंटे वापस आ जाना. तो जब आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए होता है तो आपको उसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है और कि क्या करें क्या ना करें ये सब नहीं. इंस्टेड आपको शांत रह के सब कुछ सोचना पड़ेगा ना कि हाँ ऐसे प्लानिंग करूंगी, फिर मैं यहाँ के जाके ये बोल दूंगी, फिर फ्रेंड से कॉल करवा दूंगी, बोलूंगी कि तुम इस टाइम पे कॉल कर देना, बोलना कि आंटी बहुत ज़रूरी काम है, इसको तो आना ही पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग कनेक्ट भी कर पा रहे होगे, करते भी होगे आप लोग अभी इस एज में. तो बस वैसे ही हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ बात करने वाले हैं. यहाँ पे स्पेसिफिकली हम ये देखेंगे कि शांत रहने का फायदा क्या होता है, हम लोग को शांत क्यों रहना चाहिए. और एक चीज बिल्कुल भी इस चीज को कंफ्यूजिंग तरीके से मत लेना, यहाँ पे शांत वो चुप रहने वाला नहीं है. यहाँ पे शांत मतलब अपने दिमाग को, मन को शांत कैसे रखना है, इसके बारे में बात करने वाले हैं हम. तो जल्दी से हम लोग पहले इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इसके बारे में हम लोग को पढ़ना क्या है. ओके, सबसे पहली चीज़ कि पोएट का नाम मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बता के रखा है कि आपको पोएट का नाम पता होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लस बेनिफिशियल भी होता है. चलिए, कीपिंग क्वाइट हाइलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनिंग पीस एंड साइलेंस. अब यहाँ पे जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिकली किस पे फोकस करती है, पीस पे और साइलेंस पे. मतलब जब आप शांत रहते हो, जब आप पीसफुल माइंड पे रहते हो, तब आपकी सोचने समझने की क्षमता जो होती है, शक्ति जो होती है, वो बढ़ जाती है. सिंपल सी बात है, अगर आपके दिमाग में 50 चीज़ें ऑलरेडी चल रही हैं तो फिर आपका एक काम में मन नहीं लगेगा. मान लो पढ़ रहे हो लेकिन दिमाग में चल रहा है कि कैसे कल घूमने जाएंगे, क्या क्या मम्मी से बोलेंगे, तो फिर आप उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे. लेकिन वहीं जैसे कभी आप गुस्सा भी होते हो तो अगर आपको वो चीज़ें मीन नहीं कर रहे हो, कई बार हम लोग वो चीज़ बोल जाते हैं गुस्से में जो हम मीन नहीं कर रहे होते, फिर बाद में क्या बोलते हैं हम लोग, सॉरी. जो कि आज के टाइम पे तो बहुत लोग को इसका मतलब पता भी नहीं है. सॉरी हम लोग क्यों बोलते हैं, सॉरी बोलने का मतलब है कि ठीक है मैंने जो किया मैं उसके लिए गिल्टी हूँ और मुझे उसका एहसास हो गया, रियलाइजेशन हो गया, और अब मैं इस काम को दोबारा नहीं करूँगा. बट क्या होता है, वापस से बच्चे वही गलती करते हैं. आप लोग स्टूडेंट्स हो, डांट खाते हो स्कूल में, तो क्या होता है, मैम से बोलते हो ना कि मैम सॉरी मैम अब नहीं करेंगे, बट अगले दिन फिर वही काम होता है, फिर आप बातें करते हो, फिर आप होमवर्क नहीं कम्प्लीट करते हो, फिर आपका क्लास का काम नहीं कम्प्लीट होता है. मैंने तो बहुत देखा है सारी चीज़ें, मैंने बहुत फेस किया है ये सारी चीज़ों को. बट स्टिल क्योंकि अभी आप लोग बच्चे और सीखने की उम्र है, तो जस्ट डू नॉट वरी एट ऑल. ही एम्फसाइजेस बीइंग पीसफुल एंड नॉन हार्मफुल टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट. अब उनके ऊपर इन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा प्रकाश डाला है, इस पर डाला है कि ह्यूमंस एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट. अब उनके अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम लोग अपने माइंड को शांत रखते हैं, अगर हम लोग शांत तरीके से रह के चीज़ों को सोचते हैं, तो हम लोग ह्यूमंस को, एनिमल्स को और एनवायरनमेंट को, तीनों को ही
किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो नॉन हार्मफुल ही रहेंगे हमेशा. ही क्लेम्स दैट टू सस्टेन पीस एंड हार्मनी वी मस्ट टेक टाइम टू पॉज एंड रिलीफ. अब उनके अकॉर्डिंग पीस और हार्मनी, पीस मतलब शांति, हार्मनी का मतलब होता है एकदम शांत, जब सब लोग जो साथ साथ रहते हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं थी, ये इनसे नहीं चिढ़ रहा है, वो उनसे नहीं चिढ़ रहा है, कोई किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं कर रहा है, एकदम एकता एकता के तरीके से रहना, वैसा. तो उनके अकॉर्डिंग कि अगर हम लोग शांत रहते हैं, अपने आप को रोकते हैं इन सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, ये जो दुख है, दर्द है और चिढ़न है, गुस्सा है, एंगर है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग के अंदर नेगेटिविटी डेवलप हो रही है, उसके लिए अगर हम लोग को उसको पॉज करना है तो हमको पीस लानी पड़ेगी अपने अंदर, एक डेवलपमेंट लाना पड़ेगा जहाँ से हम लोग अपने माइंड को काम करके, कंपोज करके चीज़ों को सोचेंगे और तब आगे वो काम करेंगे. तो आई होप आपको जिसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. अब यहाँ पे देखो पोएम थोड़ी सी लेंदी है, तो सबसे पहली चीज़ बोर नहीं होना है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पोएम होने वाली है. एंड पर्सनली इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे ये पोएम पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, बिकॉज बहुत बारी ये ऐसा आपके लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, फेजेस आते हैं जब आप फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हो, समझ नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है, अलग अलग चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं. अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो चीज़ होनी नहीं चाहिए, बट देखो आपकी लाइफ में जो गलत फेज या फिर बैड फेजेस आ रहे हैं उसको आप रोक नहीं सकते हो, बट हाँ आप लोग कंट्रोल कर सकते हो. वो चीज़ अगर आपके साथ हो रही तो आप उसे रोक थोड़ी सकते हो कि नहीं मेरे साथ गलत नहीं होना चाहिए, या फिर नहीं मुझे डांट नहीं पड़नी चाहिए, मेरे साथ कुछ गलत नहीं, मतलब किसी भी लेवल पे गलत मैं नहीं सह सकती, ये नहीं करोगे. लेकिन हाँ आपके साथ अगर कुछ हो रहा है तो उसको फेस कैसे करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें आप करेंगे कि मेरे ऊपर इसका गलत इफेक्ट ना पड़े, तो वो आपके हाथ में रहता है. ये तो आपको पता होगा, वही वाली बात होगी कि प्रॉब्लम्स आती हैं, बिल्कुल आएंगी, लेकिन आप उसको रोक नहीं सकते हो, बट आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से. तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा. और अब हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बहुत ही शानदार सी पोएम. तो मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा इस चीज को. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. अब यहाँ पे पोएट ने बोला है कि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि मैं 12 तक की गिनती गिनूंगा और आप लोगों को एकदम स्टिल रखना है. चलो ये काम करना स्टार्ट कर दो. स्टिल रखना है मतलब जो भी काम कर रहे हो उस पर फोकस रखो. अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, मैं अभी 12 तक की अगर गिनती गिनती हूँ तो आपको उस टाइम पे अपने अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, कि अभी आप पढ़ तो रहे हो, वीडियो तो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड कुछ कुछ चीज़ें चल रही होंगी कि अभी यहाँ जाना है, फिर ये काम करना है, फिर वो काम करना है, वो सब निकाल दो दिमाग से. अभी एक चीज़ पे फोकस रखो कि मुझे अभी इस पोएम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है. तो अगर आपने ये काम करना स्टार्ट किया तो मैं आपको समय दूंगी, ऐसे एक बार की वो चीज़ें नहीं हो सकती, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. उन्होंने कहा एक बार के लिए हम ऐसा काम करते हैं कि हम लोग धरती की तरफ देखते हैं. अब धरती क्या है, धरती मतलब हमारी जो लैंड है, नीचे होती है ना लैंड, तो मतलब उसने बोला है कि मैं ऐसे नीचे करके हम लोग एक बार सब लोग खड़े होते हैं और सब के सब अर्थ की तरफ मतलब नीचे फ्लोर की तरफ फेस करते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं. डिड नॉट यूज एनी लैंग्वेज मतलब हम लोग कोई भी शब्द नहीं यूज करेंगे. विल नॉट अटर अ सिंगल वर्ड. हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप को शांत करेंगे, अपने आप को काम एंड कंपोज पोजिशन पर लेकर आएंगे जहाँ पे हमको एक्स्ट्रा चीजें नहीं सोचनी है, सब कुछ अपने आप को शांत तरीके से रखना है. लेट स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच. उन्होंने बोला है कि हम लोग सब लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं. रुक जाते हैं मतलब ऐसा नहीं कि चलते चलते रुक जाते हैं, फिर अचानक से नीचे देखने लगे, फिर सोचने लगे, ऐसा वाला नहीं है. ये देखो ये सारी जो पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला कि एक पीस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला, तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको ऐसा एक बार की नहीं आ जाएगा. वो चीज़ें टाइम टेकिंग होती हैं, वो सब आपको समय लगेगा कि हाँ अगर आपको चाहिए कि सुकून हमको चाहिए, तो ऐसा नहीं मैंने बोला सुकून और आपको मिल जाए, वाली बात थोड़ी है ना, ये ऐसा नहीं चलेगा. तो अगर आपको पता है कि आपके अंदर कौन कौन चीज़ें डेवलप हो रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आपके अंदर हैं, तो उसको आप ही बता सकते हैं कि कैसे उसको कम करनी है, कैसे उसको शांत करना है. ये सब आपके ऊपर कंट्रोल है पूरा का पूरा, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है. मूविंग ऑन इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट. एग्जॉटिक का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, एकदम उसको ब्यूटिफाई करके बताया गया है. उनके अकॉर्डिंग ये बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही एग्जॉटिक मूवमेंट होने वाला है, विदाउट रश,
विदाउट इंजन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर. अब उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम लोग सब लोग शांत होके खड़े हो जाते हैं और अपने अपने अंदर झांकते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो कोई रश नहीं रहेगा. बिकॉज इफ ऑल द पीपल, फॉर एग्जाम्पल, कि आप एक रूम पे हो और उस रूम में 10-12 लोग हैं. अब 10-12 लोग अगर बातचीत कर रहे हैं, जैसे आप स्कूल का मैं एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. अगेन आई कम टू द ड्रॉइंग पोर्शन. मान लीजिए कि आपकी क्लासरूम है, ठीक है, और आप लोगों की ऐसे रो बनी रहती है ना, ये ऐसे रो बनी रहती है और सामने ये मैम की टेबल होती है, ऐसे कुछ होता है ना, फिर पीछे बोर्ड, ब्लैक बोर्ड वगैरह होता है. तो अब आप जब बैठे हो, मैम बैठ के काम कर रही है, मैम ने बोला कि बेटा मैं अपना काम कर रही हूँ, सब लोग अपने अपने बुक्स कॉपीज निकाल के पढ़ना स्टार्ट करिए, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. यूजुअली अगेन मेरे साथ भी बहुत होता था ऐसा. तो बच्चे ने क्या किया, ठीक है मैम, बिल्कुल नहीं बात करेंगे. और पता भी नहीं चल पाता है, फिर वो होता है ना मर्मरिंग करना कि खुसफुसा के बात करते हैं बच्चे. कोशिश करते हैं कि हम लोग धीरे धीरे बात करें, इंडिविजुअली सब लोग धीरे धीरे बात कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं एज अ क्लास एज अ होल की बात करूँ, तो मुझे तो ना ऐसा लगता है मक्खियाँ भिनभिना रही है, मच्छर जैसे आवाज़ आती है, तो वैसी आवाज़ मुझे आएगी, फिर मेरे लिए भी इरिटेटिंग हो जाएगा. तो अब टीचर क्या बोलती है, मना करें ना बात करने के लिए, नहीं बात करनी है, जस्ट कीप क्वाइट, कीप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझको. फिर मॉनिटर को बुलाती हैं, कहते हैं बेटा जो बात करेगा मुझे बताना. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो वही अगर मैंने आपको बोला कि वो स्टैचू आप लोग खेलते हो, स्टैचू वाला रिलीज स्टैचू वाला खेलते हो, मैंने आपको बोला बेटा स्टैचू, तो आप लोग एट द मोमेंट एकदम स्टैचू के पोजिशन में आ जाओगे, ना कुछ बोलोगे ना हिलोगे. तो उस टाइम पे पूरी क्लास एक बार की शांत हो जाएगी कि नहीं. जैसे आप सबकी स्कूल में एक टीचर ऐसे ज़रूर होती हैं जो जिनकी आहट से या फिर जैसे ही, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस आती हैं, देखती हैं और पूरी क्लास शांत हो जाती है. तो हर स्कूल में एक दो टीचर्स ऐसी ज़रूर अवेलेबल होती हैं, आप लोग के यहाँ भी कोई ना कोई होगा. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. अब उनको देखकर ही एकदम क्लास शांत हो जाती है. तो एक बार की शांत हो गई ना, जब कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, जब कोई रश ही नहीं रहेगा, तो अपने आप सब कुछ शांत हो जाएगा. विदाउट इंजन्स, अब यहाँ पे इंजन्स भी इसी के लिए यूज़ हुआ है कि जब ट्रेन चलती हैं, ठीक है, तो कुछ भी मशीनरी का यूज़ हो रहा है, कोई मशीन यूज़ हो रही है, तो उसमें भी एक इंजन, हर एक मशीन में इंजन लगा होता है. अगर आप स्मार्ट बोर्ड यूज़ कर रहे हो, आप कोई व्हीकल यूज़ कर रहे हो, आप कार यूज़ कर रहे हो, आप ट्रेन्स में देखोगे तो हर चीज़ में आपको मैकेनिज्म मिलने वाला है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में. तो यहाँ पे उसकी बात की गई है. इन एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. अब यहाँ पे क्या बोला है कि सब लोग अभी तक अलग अलग काम कर रहे थे, रश था आपके आसपास, लेकिन जैसे ही जिस मोमेंट पे हम लोग एकदम शांत हो गए, हम लोग का बेसिस क्या हो गया, हम लोग फिर सब लोग एक साथ हो गए. किसके बेसिस पे, इस स्ट्रेंजनेस के बेसिस पे. क्योंकि अगर सब इंसान शांत हो जाएंगे तो सबके अंदर एक बेसिक, एक कॉमन ग्राउंड आ जाएगा शांत रहने का, साइलेंस का. तो वो वाला जो कॉमन ग्राउंड है वो सबके अंदर एक बार ही डेवलप हो जाएगा. मूविंग ऑन, फिशरमैन इन अ कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स. अब उन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोग शांत रहेंगे, अगर हम लोग कोई कुछ काम नहीं करेंगे, एकदम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, तो जो भी चीज़ें हो रही हैं, जैसे जो फिशरमैन होता है, अब यहाँ पे आप पिक्चराइज मैंने किया आप लोगों के लिए, आप देखोगे तो देखो ये फिशरमैन जो है वो मछुआरे का काम क्या होता है, मछली पकड़ना. तो अगर हम लोग वो काम करेंगे ही नहीं, हम लोग अपने आप को शांत करने के पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो फिशरमैन जो मछली मार रहा है, मतलब यहाँ पे क्या है, एनिमल्स का हार्म हो रहा है ना, तो जो एनिमल्स को हार्म हो रहा है वो होगा, वो कभी नहीं होगा, वो रुक जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इंसान मछली पकड़ने का काम कर ही नहीं रहा है. तो उससे मछलियों को भी, जो जानवर हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड नॉट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. अब उन्होंने बोला कि जो भी, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो पुअर लोग होते हैं ना, पुअर पीपल होते हैं, जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम करके जो लेबर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ओवर टाइम काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, बट स्टिल उन लोग को पैसे उतने नहीं मिलते. तो यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है पुअर पीपल का, इसकी भी आपको एक थीम दिखाई गई है यहाँ पे. ये वाला जो पॉइंट है एक्सप्लॉयटेशन का, वो यहाँ पे दिखाई गया उसके थ्रू, कि अगर हम लोगों ने अपने दिमाग को शांत करने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, अगर हमने अपने, हम लोगों ने सब ने मिलकर अपने आप को शांत करने पर फोकस करेंगे अगर हम लोग, तो हम लोग एक्सप्लॉयटेशन से भी बच सकते हैं. क्योंकि भाई जब सब लोग शांत हैं, सब लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो सामने वाले के ऊपर कोई एक्सप्लॉयटेशन तो करेगा ही, वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो आता है वो कोई दिखाएगा नहीं, बिकॉज ऑल द पीपल आर बिजीइंग देमसेल्व्स. सब लोग अपने ऊपर ही फोकस कर रहे हैं इस वक्त. मूविंग ऑन, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स. यहाँ पे ग्रीन वॉर्स मतलब वो जो अलग अलग वॉर्स होती हैं, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर,
अब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वॉर दिखाए गए हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर होती है, ठीक है, लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, फैमिलीज लड़ रही हैं। जैसे आपने देखा होगा एक कॉन्टेक्स्ट आया था कि चार युग होता है, तो चार युग में फर्क क्या क्या होता है। तो पहले क्या था कि दो युगों, दो लोगों के बीच में युग होता था, उसके बाद फिर दो फैमिलीज के बीच में हुआ, फिर अपनी फैमिली में होने लगा, उसके बाद क्या हुआ कि अब इंसान अपने आप से ही लड़ाई करने लगा। तो यहाँ पे वॉर्स का मतलब स्पेसिफिकली वो नहीं है हाथापाई वाला, वॉर्स का मतलब यहाँ पे दिखाया गया है कि जो एक दूसरे से इमोशनली भी डिटैचमेंट हो रहा है, इमोशनली हम लोग डिटैच हो रहे हैं, मेंटली डिटैच हो रहे हैं, उसके बाद फिजिकली भी डिटैच हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप लोग पिक्चर से समझ सकते थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही हैं। अब हम इसमें क्या हो रहे हैं ना, पूरा इसी में उलझे जा रहे हैं, अब हम लोग इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तुमने इसको क्यों मारा, तुम इससे क्यों बात कर ली, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया। अब हम लोग इस पर फोकस नहीं कर रहे कि हम लोग क्या हैं, समझ रहे हो, हम लोग के अंदर क्या चल रहा है, हम लोग कितना ज़्यादा अनकॉन्शियस वे में चीज़ें करते जा रहे हैं, हम लोग को खुद कितना कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन दूसरों को ज्ञान देना है कि नहीं ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है, फिर वो नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को ख़त्म करनी पड़ेगी। और अगर हर इंसान ने, अगर आप ऐसा सोच के देखो कि अगर मैं वापस एक क्लासरूम की बात करती हूँ, अगर हर इंसान स्टूडेंट से ये सोच लिया कि मैं तो बात नहीं करने वाली, फिर मैं बात नहीं करने वाला, मुझे नहीं पता सामने वाला कर रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे नहीं करना, अगर हर बच्चे ने ये चीज़ सोची, ये माइंडसेट दिमाग में रखा, तो क्या क्लास से कभी बात करने की आवाज़ आएगी? कभी नहीं आएगी, क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअली सोच रहा है ना कि मुझे नहीं बात करनी है। तो ओवरऑल एक अच्छा डेवलपमेंट, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगा एज अ सोसाइटी। अगर मैं बात करूँ विक्ट्रीज विद नो सर्वाइवर्स, मतलब ऐसी जीत किस काम की जब लोग ही नहीं बचे। वॉर्स में क्या होता है, जब आपने सुना होगा वर्ल्ड वॉर अगर हो रही है, तो वर्ल्ड वॉर में डिफरेंट कंट्रीज लड़ती हैं, बहुत सारे इनोसेंट पीपल मारे जाते हैं, बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं हो रही होती है, भाई अपना बम गोला बारूद से। तो ये सारी चीज़ें भी दिमाग में रखनी है कि ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए भी अगर कोई कंट्री जीतती भी है वर्ल्ड वॉर, अगर दो कंट्रीज के बीच में हो भी रही है, तो मान लो एक कंट्री जीत गई एक कंट्री हार गई, तो हार जीत तो लगी रहेगी। तो जो कंट्री जीती है क्या उसके कोई सोल्जर्स नहीं मरे होंगे, उनके शोल्डर्स की डेथ नहीं हुई होगी? तो ऐसे विक्ट्री किस काम की जब आपने अपने ही लोगों को खो दिया, अपने ही मैक्सिमम लोगों को आपने मार दिया, तो ऐसे विक्ट्री किस काम की जहाँ पे आप अकेले ही राजा बन के बैठे हैं? तो इस चीज़ को भी पोएट थोड़ा सा प्रेफर कर रहे हैं, पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर इन द शेड डूइंग नथिंग। अब उन्होंने क्या किया कि इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि वॉर की जो भावना है, मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली वॉर के कपड़ों की बात नहीं की गई है, मतलब यहाँ पे फिजिकली कपड़े की बात नहीं की गई है, यहाँ पे बोला गया कि हम लोग अपने मन को साफ कर लेते हैं, हम लोग को अपने मन में किसी से कोई द्वेष, किसी से कोई चिढ़ की भावना, कोई दुश्मनी, ऐसी जितने भी नेगेटिविटी है हमारे अंदर, हम लोग उसको निकाल के फेंक देते हैं और एक पॉजिटिविटी का जो कपड़ा है उसको पहन के, और हम लोग सब लोग एक दूसरे के साथ एक ब्रदरहुड डेवलप करते हैं, मतलब भाईचारा कि हम लोग सब एक ह्यूमैनिटी कह सकते हो। यहाँ पे किसकी बात की गई है, ह्यूमैनिटी की, कि ह्यूमैनिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर हम लोग डेवलप करेंगे तो कोई भी चीज़ गलत कभी हो ही नहीं सकती है। अब आप इसको थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर हर इंसान यही सोचने लग जाए कि इंसानियत, अब आप लोग को थोड़ा सा बीच में लग भी रहा होगा कि मैम तो एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव ये बताई जा रही है, इतना तो होता ही नहीं है। तो अगर मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ये बात करती हूँ, अगेन आई विल कम अप विद अनदर एग्जाम्पल। अब अगर ऐसी बात है तो हर इंसान की लाइफ में भाई अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम अराइज होती है, हर इंसान की लाइफ की जो प्रॉब्लम होती है वो एक ही तरीके से सॉल्व भी नहीं होती है। बट अगर इंडिविजुअली लेवल पे इंसान ये सोचता है कि हाँ जितना हमसे हो पाएगा हम उतना कंट्रोल करेंगे, अगर एक फैमिली में पांच मेंबर्स रहते हैं, एक फैमिली में पांच मेंबर्स रहते हैं, तो वाली कहावत सुनी होगी ना, खाली जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ तो आवाज़ तो होती है, बिल्कुल होती है, लड़ाइयाँ होंगे झगड़े होंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग इसको, इस चीज़ को तो कंट्रोल कर सकते हो ना कि हाँ अगर कुछ कोई बोल रहा है, अगर हमें बुरा लग भी रहा है तो हम वापस से पलट के ना बोलें, क्योंकि आप उस वक्त मीन भी नहीं कर रहे होते हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप उसको मीन नहीं करो लेकिन फिर भी आप गुस्से में बोल जाते हो, फिर बाद में आपको रियलाइज होता है वो डिफरेंट सिनारी हो जाता है, फिर आप सॉरी वो नहीं बोलते, वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन एट द पॉइंट ऑफ टाइम, एट द हीट ऑफ द मोमेंट तो आपने बोल दिया ना, तो अगर आपने उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया तो काफ़ी सारी जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो अननेसेसरी लड़ाइयाँ होती हैं हमारे घर में भी होती है, किसी से भी हो जाती हैं, तो वो काफी हद तक कम हो सकती है। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताएंगे। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, सिंगल माइंडेड का मतलब होता है सेल्फिश है, बोला कि अगर हम लोग अपना इतना सेल्फिश नेचर ना लेके चलते
कि हमको बस अपनी लाइफ पे फोकस करना है, मेरी लाइफ बढ़ती रहनी चाहिए, सामने वाले को बुरा लग रहा है लगे, सामने वाले को दिक्कत हो रही है, हर्ट हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे तो चाहिए पूरा एकदम सेल्फिश नेचर, मैं चाहती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम लोग ने, हर इंसान ने ये सोचा, तो भाई इंसान तो कहीं बची नहीं रह गई है। अब सब इंसान ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप से मतलब है, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो काइंड हार्टेड पीपल हैं, जो एक्चुअली जिनके दिल थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं जो मैक्सिमम लोगों के लिए, उनके लिए भाई दिक्कत की बात आ जाएगी कि भाई मैं तो इतना अच्छा, मेरे तो कोई इज्जत ही नहीं हो रही है, जितने भी बुरे लोग हैं, जितने भी सेल्फिश लोग हैं, उन्हीं लोग के वाहवाही हो जा रही है, तो ये भी गलत बात है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। उन्होंने कहा कि इजी सब चीज़ों को कम करने के लिए एक बार, सिर्फ एक बार इसको ट्राई करके देखो। अब यहाँ पे जो पोएट है वो तुमको इम्प्लाई नहीं कर रहे हैं कि तुमको ये काम रोज रोज करना ही करना है, नहीं करोगे तो फिर बताएंगे तुम्हें, ये वाली चीज़ नहीं है। वो तुमको बता रहे हैं कि तुम एक बार इसको ट्राई करके देखो, आप लोग इसे ट्राई करके देखो, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। रोज आप देख ही रहे हो कि आप रोज कैसी लाइफ स्टाइल जी रहे हो, आपको पता है कि आप कैसे रह रहे हो कैसे नहीं रह रहे हो। तो अगर आपने ये चीज़ कॉमनैलिटी पे लेकर आई सब लोग ने, और इसको फोकस किया अगर अपने ऊपर, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, तो कहीं ना कहीं आपकी ये चीज़ खुद नोटिस करना, और ये मैं खुद के लिए भी कह रही हूँ, मतलब मैं आपको पर्सनली चीज़ बता रही हूँ कि आप इसको ट्राई करके देखो, खुद आपको एक अपने अंदर एक चेंज दिखेगा, एक चेंज निकल के आएगा कि हाँ आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हो विद नो इश्यूज। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आर सेल्फ विद डेथ। अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने बोला है कि अगर हम लोग एक साइलेंस मतलब यहाँ पे जो शांति है, जो मन की शांति है, हम लोग इन सारी नेगेटिविटी को, इन सारी चीज़ों को, जो वॉर्स हो रही हैं, जो हम लोग सेल्फिश नेचर डेवलप कर रहे हैं, जो हम लोग चिढ़ रहे हैं बाकियों से, जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही, जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उसको हम लोग रोक सकते हैं, एक हर्डल क्रिएट कर सकते हैं। और वो हर्डल क्या है, पीस। वो हर्डल क्या है, पीस। क्योंकि देखो सबके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती ही चलती हैं। मैंने आपको वही स्टार्टिंग से बता रही हूँ, मैं वापस वही चीज़ रिपीट करना चाहूँगी कि वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगी ही रहेगी, नेगेटिविटी आएगी ही आएगी, बट आपको उसको कंट्रोल करके चलना है कि कितनी आएगी मेरे पास, किस तरह से आएगी, ये सब आपके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड रहेगा। Perhaps the earth cannot teach us when everything seems dead and later proves to be alive। अब इसको हम लोग सीख कह सकते हैं अर्थ से। आपने अर्थ का एक नेचुरल एलिमेंट देखा होगा, सबने पीपल का पेड़ देखा है ना, कभी कभी आपने देखा है, नोटिस किया है अगर कभी, तो जो पेड़ वगैरह होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनको तुम उगाओगे नहीं, अपने आप ही वो लोग उगने लगते हैं। या फिर आपने देखा होगा ट्रीज वगैरह, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, देखो ऑटम के सीजन में क्या होता है, जो पतझड़ का मौसम होता है, वही एक बड़ा सा पेड़ जो कि बहुत ही फ्लरिश कर रहा था, उसमें बहुत सारे फल थे, बहुत सारे फूल थे, एकदम फ्रेश ग्रीन कलर की पत्तियाँ थी, वही उसी क्या कहते हैं पर्टिकुलर ईयर में पतझड़ का भी मौसम आता है, पूरी पत्तियां झड़ जाती हैं। जब पूरी पत्तियां झड़ जाती हैं, जब वो ऑटम का सीजन चला जाता है, पतझड़ का मौसम खत्म हो जाता है, तो वापस से पत्तियां उगती हैं ना, तो ये जो अलाइविंग नेचर है वो हम लोग को अर्थ से ही मिल रहा है, मतलब ये एक नेचुरल चीज़ है, ये हम लोग इसको कोई डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ये चीज़ नेचुरल है कि पतझड़ का मौसम आएगा तो पत्तियां गिरेंगी भी, उसके बाद वापस से खिल भी जाएंगी, तो एग्जैक्टली यही जो गुड और बैड का चीज़ें हैं, पहले आप लोग खुश भी हो, कभी क्या होता है आपके साथ, कभी कभी बहुत खुश होते हो, कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, कभी नॉर्मल रहते हो, कभी चलता रहता है ऐसे ही कैजुअल से चलता रहता है। तो जो फीलिंग्स आपके अंदर डेवलप हो रही हैं वो आपके अंदर डेवलप होगी, आप एक कांस्टेंट फीलिंग के साथ लाइफ टाइम नहीं रह सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आपको अभी खुशी हो रही तो आपको लाइफ टाइम खुशी होती रहेगी, हर वक्त हर चीज़ में खुश होते रहोगे, कभी कभी आपको गुस्सा भी आएगी, बट पॉइंट क्या है कि आपको सारी चीज़ों को कंट्रोल कैसे कर रहे हो। अब ज़्यादा खुशी भी दिक्कत की बात हो जा रही है, आप हर जगह खुश हो रहे हो, हर जगह हंस रहे हो, जहाँ पे सीरियस सिचुएशन से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है एक्चुअली, कि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मैं सीरियस सिचुएशन में भी हंसने लगती हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा, मैं अपनी बात नहीं बता रही हूँ, मैं बच्चों के परस्पेक्टिव से बता रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ मुझे नहीं भी हंसना होता है वहाँ पर भी हंस देते हैं, तो ये भी गलत चीज़ है। यहाँ पर पॉइंट ये है, अपने आपको कंट्रोल रखना, अपने माइंड को कंट्रोलिंग पावर आपकी होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल। अगर मैं इस पूरी पोयम को दो वर्ड में अगर डिफाइन करूँ तो यही चीज़ है, सेल्फ कंट्रोल। कैसे आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, सेकंड रह गई इसमें। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड
यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो. अब उन्होंने बोला कि वापस से मैं 12 तक का काउंट करूंगा, आप लोग शांत रहेंगे और मैं वहां से चला जाऊंगा. अब उन्होंने ये बातें क्यों बोली है इस पर्टिकुलर परस्पेक्टिव से भी, कि ऐसा नहीं कि मैं जब तक 12 गिन रहा हूँ तो आपको तब तक ही शांत रहना है. जैसे हम लोग मेडिटेशन करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि योगा से होगा. लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं, जो बहुत देखो फ्रस्ट्रेट रहते हैं, बहुत इरिटेट होने लगते हैं, उनको क्या बोला जाता है कि आप मेडिटेशन किया करिए, आप योगा किया करिए. बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग योगा और व्हेन यू आर मेडिटेटिंग, तो उस टाइम पे आपको बाकी सारी चीज़ों को दिमाग से बाहर निकाल देना है. बहुत सारे लोग म्यूजिक सुन के करते हैं, तो जब आप म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, तो आप सिर्फ उस गाने के बारे में सोच रहे हैं, फिर दिमाग में नहीं चल रहा है कि मेरे पढ़ना है, मेरे अगले दिन एग्जाम है, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नहीं होता है कुछ. और ऐसे करते हो ना कि यार कल एग्जाम है, कल एग्जाम है, कैसे होगा कैसे होगा, अरे छोड़ो, फिर रात तक हो जाता है, अरे हटाओ, जो होगा देखा जाएगा. फिर बाद में जो होता है, ऑल द आपसे देखा नहीं जाता है, बट स्टिल ये चीज़ दिमाग में आती है. तो जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपके दिमाग में चीज़ आई कि यार हटाओ, जो होगा देखा जाएगा, देखेंगे कैसा पेपर आएगा, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपने उस वो प्रॉब्लम हटा दी अपने दिमाग से, तो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपका दिमाग शांत हो गया. अब आपके दिमाग में उसकी कोई उलझन नहीं चल रही है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, कुछ टेंशन ही नहीं हो रही आपको. आराम से मस्त हो गए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नींद भी अच्छे से मज़े से आएगी. सुबह उठोगे, जब क्वेश्चन पेपर देखोगे, तब टेंशन चालू होगी कि काश कल रात में बैठ के पढ़ लिए होते. और यूजुअली क्या होता है, जिन बच्चों का जैसे कम मार्क्स आता है, फिर एवरेज मार्क्स आता है, वो लोग ये चीज़ तो होती है, ज़रूर सोचते हैं कि अब से पक्का पढ़ना चालू करेंगे, रोज़ कम से कम 1 घंटा तो पढ़ेंगे, ताकि हमको आखिरी तक एकदम अच्छे से आता हो. बट स्टिल ये शुरू शुरू का बहुत ही है ना कि हीट ऑफ द मोमेंट वाला मोटिवेशन होता है. बाद में जैसे ही आप नॉर्मल होते रहते हो, अलग अलग चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, लोगों से मिलोगे, अपने आप को डाइवर्ट करोगे, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी. तो यही चैप्टर में बताया गया है. वापस एक समराइज वे में मैं आपको बता देती हूँ. देखो इस चैप्टर में मेनली बात की गई है, अगर मैं क्वाइटनेस की बात करूं, इस चैप्टर में मेनली क्वाइटनेस के रिगार्डिंग बात की गई है, साइलेंस की. मतलब यहाँ पे माइंड की साइलेंस, कि आप अपने दिमाग को कैसे शांत रख सकते हो, अपने दिमाग को शांत रखने का क्या क्या क्राइटेरिया, कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हो. अब यहाँ पे स्पेसिफिकली पॉजिटिव और नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, उसका कंट्रास्ट नहीं दिखाया गया कि मैं कंपेयर कर रही हूँ पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कैसे बनाना है, फिर हर नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव कैसे बनाना है, बिल्कुल भी नहीं. पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. और प्लस पोएट यहाँ पे ये भी कहना चाह रहे हैं, वो तुम लोग को होता होगा ना, कवि क्या कहना चाहते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है. ये जैसे मैथ्स में आज तक हम लोग एक्स की वैल्यू ढूंढते रहते हैं, वैसे ही इंग्लिश और हिंदी में क्या होता है, कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि क्या कहना चाहते हैं, तो आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या समझ में आया. कवि तो बता नहीं पाएंगे कवि क्या कहना चाहते हैं. और हाँ, एक और चीज़ दिमाग में रखो, कभी भी किसी भी पोएट्री को जब आप पढ़ते हैं, कभी भी कोई भी पोएट्री पढ़ो, उसका एक सोशल बैकग्राउंड होता है, सोशल बैकग्राउंड होता है. क्योंकि होता क्या था, मैं आपको बताती हूँ पोएट्री लिखने का तरीका क्या होता है. ऐसा नहीं है कि बैठे हुए हैं सोच रहे हैं बहुत बोर हो रहे हैं, एक काम करते हैं पोएम लिख डालते हैं, ये कभी नहीं आएगा. पोएट्री इज सिंपली एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स इन वर्ड्स, सिंपल है. जब कभी भी आप बैठे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप कुछ नहीं सोच पा रहे हो, यार यूपीएससी तो हो नहीं पाएगा हमसे, और बाकी ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम में मेरा मन नहीं लग रहा है, काम करते हैं पोएम लिखना स्टार्ट कर दे, कभी ज़िंदगी में नहीं लिख पाओगे. फिर फिक्शन लिखना स्टार्ट कर दे, कभी ज़िंदगी में नहीं लिख पाओगे. इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, जब अगर आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं ना नॉर्मली, अगर आप नॉर्मल आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप खुद से लिख रहे हैं. इसीलिए मैं आपको कहती हूँ खुद से आंसर लिखो. खुद से आंसर लिखने का फ़ायदा ये होता है कि जब खुद से लिखोगे ना, तो दिमाग में रहेगी वो सारी चीज़ें, आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को खुद से एक्सप्रेस कर रहे हो, वहाँ पे आपको किसी का छापना नहीं पड़ रहा है. इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं पोएट्री की बात कर रही थी. पोएट्री कभी भी कोई भी इंसान जब लिखता है, तो ये समझ के लिखता है कि हाँ मेरे साथ कौन कौन सी उसको फीलिंग अराइज हो रही है उसके अंदर. इसीलिए पोएट्री का फॉर्म, जॉनरा, सब कुछ बहुत ही अलग अलग होता है. कुछ कुछ इंसान कोई रोमांटिक पोएट्री लिखता है, कोई नेचर पे पोएट्री लिखता है, कोई ऐसे थीम्स पे पोएट्री लिखता है. तो थीम सबकी अलग अलग होती है, और इसी से आपका सेंट्रल आइडिया भी निकल के आता है. आपको एक और आसान तरीका बताती हूँ पोएट्री को दिमाग में बैठाने के लिए. ये बहुत बड़ा मिथ है
कि आप लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझ लें, हर वर्ड का मीनिंग समझ लें तो आप सॉल्व सॉर्ट आउट हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। पोएट्री का सिंपल सेंस होता है कि जो लिखा रहेगा ना एग्जैक्टली लिटरल मीनिंग नहीं होगा वहाँ। मैं आपको अभी से क्लियरली बता देती हूँ, पोएट्री का मतलब होता है जब आप अपनी फीलिंग्स को मेटाफोरिकली कन्वे कर रहे हो, लिखा कुछ और है लेकिन एग्जैक्ट वही मतलब नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे इस पोएम की अगर मैं बात करूँ, लिखा तो कीपिंग क्वाइट है लेकिन यहाँ पे क्वाइट मतलब नॉर्मली शांत रहने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मन को शांत रखने की बात हो रही है। तो मेटाफोरिकली क्या कहना चाहते हैं पोएट या फिर पोएट के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कन्वे करने की कोशिश करी है, ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी और वो तभी होगा। इसके भी एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, क्या क्या चीज़ें अगर आप दिमाग में रखोगे तो आपको पोएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ बहुत ईजी, तुम हटाओ समरी, हटाओ मत जानो समरी क्या है, तुमको नहीं समझ और सेंटर आइडिया कैसे लिखना मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहली चीज़ थीम्स लेके चलो। ये अभी आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, मैं आपको बता रही हूँ अभी आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने सिर्फ इतना सा काम कर लिया ना, इतना आपको अगर समझ में आ रहा है कि पोएट्री में किसके बारे में बात की जा रही है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, एक मैंने आपको पॉइंट दिया था एक्सप्लॉयटेशन का, तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है। उसके बाद मैंने सेल्फिश नेचर का बोला था, तो चलो ठीक है सेल्फिश नेचर की बात हो रही है। उसके बाद मैंने वॉर्स की बात करी थी, तो जो वॉर्स वगैरह होती हैं उसके वजह से कितना डिस्ट्रक्शन होता है, इंसान इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो अपने आप पे ना थोड़ा सा कनेक्ट करके चलो कि अगर मेरे साथ होता तो हम क्या सोच रहे होते, अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो मैं क्या सोच रही होती। तो वैसे जब आंसर लिखोगे ना तो तुम छः पेज तो बहुत कम बता रही हूँ मैं, आराम से 8-9 पेज तो लिख सकते हो, क्योंकि दिमाग सबको भगवान ने दिया है, सिर्फ चलाने की देरी है। वही वाली बात जो मैं आपको इतने से बता रही हूँ, मिलता सबको है, बस फर्क इतना है कि कौन किस तरह से उसको यूज़ कर रहा है। अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें, अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करें, तो अपने आप आपको पढ़ाई बिल्कुल भी बोरिंग लगेगी ही नहीं। और मेरे अकॉर्डिंग नॉट जस्ट बिकॉज इट्स माई सब्जेक्ट, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ कि इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई लव्ड इंग्लिश, स्पेसिफिकली लिटरेचर, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इंग्लिश स्टार्टिंग से। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, अब हो सकता है अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो, लेकिन आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद है उसमें आपको पैशन ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि लग रहा है जो इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी, कुछ टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया, फिर टफ आ गया तो भाई बहुत बोरिंग है। तो ये सारे काम नहीं करने, पढ़ाई को ईजी वे में इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। अगर टफ लेके चलोगे कि हमें करना है, कैसे करेंगे, क्या होगा, ऑब्वियसली बात है दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग होमवर्क यही रहेगा आप लोगों का, आपको इसमें जितनी भी थीम्स समझ में आती हैं, मैंने आपको देखो तीन तो बता दिया, ये वॉर्स हो गया, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, सेल्फिश नेचर हो गया, ये तीन चीज़ मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको पोएम पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा आपको क्या समझ में आता है कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें इसमें और निकल के आ सकती हैं, उसको आपको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना है। ये आपको इससे आपकी एक्टिव लर्निंग होती रहेगी, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, खुद से पढ़ लो, खुद समझ रहे हो, खुद से लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा और कोई दिक्कत अराइज नहीं हुई होगी, और अगर स्टिल हुई है वीडियो को वापस से आप दोबारा देख लीजिए, कोई इशू नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप पढ़ाई पे दे रहे हो, यूटिलाइज ही हो रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।